आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो फोर्थ स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया, उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100324 29, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संघस्थ ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी 9660403861, संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधु श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्ष रियान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्णव जैन गुड़गांव, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधु श्री विवेक जैन, श्रीमती पालजी जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रियान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, कभी का देश मिट जाता, जो ये अविशेष न होते, ना पावन आत्मा होती न जीवित मंत्रे होते, ना पावन आत्मा होती न जीवित मंत्रे होते, और कभी का देश मिट जाता जो जीवित संत ना होते, कभी का देश मिट जाता जो जीवित संत ना होते। आज हमारे संतों के कारण हमारी भारत भूमि को जगत गुरु कहा जाता है, क्योंकि हमने जन्म तो ले लिया लेकिन जीवन जीना गुरु सिखाते हैं। जीवन हमें असंयम की तरफ भी जा सकता है, लेकिन गुरु हैं हमें संयम की तरफ हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ तो बन गई, अब चलना भी सीखो, सीढ़ियाँ तो बन गई अब चढ़ना भी सीखो, पुस्तकें तो आ गईं अब पढ़ना भी सीखो। असंयम की काली कोठरियों में सदियां गुजारी हैं हमने, अब सामने संयम का धर्म है, इस पर बढ़ना भी सीखो। क्योंकि हम जितने साल के हो गए उतने साल से हर साल उत्तम संयम धर्म त्यौहार की तरह मना लेते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हम अमीर हैं, हम बड़े लोग हैं जो कि व्रतों के दिन में नियम संयम से रहते हैं, अपने खाने पर प्रतिबंध करते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके त्यौहार खाने के होते हैं, लेकिन हमारे त्यौहार त्यागने के होते हैं। हम सिर्फ शरीर को आनंद प्रमोद में नहीं गुजारते हैं, हम शरीर को शरीर का भोजन नहीं देते हैं। आत्मा तो कहती है मन आदि काल से खाया है, अब तुमको संयम की तरफ पढ़ो, और पूजा में पढ़ते भी हैं। काउ छे ओ प्रतिपाल
पंचेंद्री मन बसे करो संयम रतन समार विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या काहे छो प्रतिपाल पंचेंद्री मन बस करो। आचार्य कहते संयम क्या है, यदि मन वश में हो जाए, आज दुनिया में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना किसी को कम चाहिए ना किसी को गम चाहिए, ना कोई संतोष से रहना चाहता है ना किसी को कम संपत्ति चाहिए, हर आदमी दौड़ रहा है कहाँ कमाएगा कितना कमाएगा, चोरी से हो, बेईमानी से हो, अत्याचार से हो, अनाचार से हो, कलेश से हो, आज घर घर महाभारत मची हुई है, क्योंकि हर बोलता है कि हमको कुछ कम मिला है। अरे जितना मिला उसे खा पाओगे क्या? लोग कहते हमारे बच्चों को, अरे बच्चों को संपत्ति मत दे जाओ, बच्चों को संस्कार दे जाओ, बच्चों को संयम दे जाओ, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है बड़े भाग्य रत्नात्रय धरें और धरेंगे ते शिव लहें तिन सुजस जग मल हरे। कहते उनका सुजस रूपी जल भी जग के मल को हर देता है। किनको धन्य धन्य है जे जीव नरभव पाए यह कारज किया। और कहते हैं कि वास्तव में धन्य उन लोगों को कहा है, धनपतियों को धन्य नहीं कहा है। धनपतियों को सम्मान मिल सकता है लेकिन पूजा नहीं हो सकती है। दुनिया में देखो जितने इतिहास लिखे जाते हैं वो किन लोगों के इतिहास होते हैं, जो मार धाड़ छीना झपटी लूट खसोट करके धन प्राप्त करते हैं उनके होते हैं, औरंगजेब चंगेल खां और हिटलर सब क्या है इन लोगों के, जहांगीर आदि कोई भी बादशाह देख लो का कोई सम्राट हो, सम्राटों के निशान मिट जाते हैं, लेकिन जो एक बार संयमी हो जाएं उनकी पत्थर की भी प्रतिमाएं भी पूजी जाती हैं, उनके आगे लोग अपना सर्वस्व चढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श मार्ग प्रस्तुत किया है। उन्होंने सिर्फ भोजन को भोजन तक नहीं, भोजन को भजन में परिवर्तित किया है, क्योंकि कहते हैं आज हमारे जीवन में से तीन चीज़ें गायब हो गई हैं, हमारा सम्यक आहार नहीं रहा, सम्यक व्यायाम नहीं रहा और सम्यक भोजन नहीं रहा, सम्यक निद्रा नहीं रही। हमारे जीवन में तीन चीज़ों की आवश्यकता है जो हमें संयमी बना सकते हैं, हमारे जीवन को उत्थान की तरफ ले सकते हैं, सम्यक आहार हो, सम्यक निद्रा और सम्यक व्यायाम हो। क्योंकि कहते भी जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। हमारे आचार्यों ने कहा है कि अपने आप को देखो, तुमने जीवन इसलिए पाया था क्या जानवरों की तरह जी रहे हो, इसलिए पाया था नारकियों की तरह लड़ झगड़ के खा पी लेते हो सो जाते हो, दो चार बच्चे पैदा हो जाते हैं तो तीर मार लिया क्या? अरे एक एक सुअर के पीछे देखो कितने कितने घूमते हैं, नगर पालिका वाली तक परेशान है। क्योंकि आचार्य तो कहते हैं यदि तुम पुत्र भी पैदा करो तो ऐसा करो तीर्थंकर जैसा पुत्र पैदा करो जो तीन लोग का नाथ पैदा हो जाए, तीन लोग का पथ प्रदर्शक पैदा हो जाए। क्योंकि जो संयमी होता है वो जीवन में इस जीवन में भी पूजा जाता है और अगले जन्म में स्वर्ग और मोक्ष के सुख पाता है, और जो असंयमी होता है वो दुर्योधन की तरह, दुशासन की तरह, कीचक की तरह, रावण की तरह मारा जाता है, बेमौत मारा जाता है, अपमान पाता है, घर के निशान मिट जाते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत को कलंकित कर देते हैं। यहाँ भी आपने देखा हो एक बार व्यभिचार किसी से हो जाए तो लोग कहते हैं अरे वो ही तो आप समझ गए, उसके जीवन में दोबारा उस पर पानी नहीं चढ़ता है। लेकिन समय सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जीव ने अनादिकाल से आज तक क्या किया है, काम भोग बंद की कथाएं सुनी है, परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं, और उसके लिए कहते हैं कुंद कुंद देव स्वामी सुध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा ए अत सुलंबो नवरिना सुलभो भी अतस। कहते हैं सुनी है, परिचय में आई हैं, आप भी देखो क्या बात सुनने के लिए आपके कान उत्सुक रहते हैं, तेरे घर में क्या कहा, तेरे पति ने क्या कहा, अरे पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, ये मजबूरी में तो तुम्हारी समझो कि दीक्षा नहीं ले पा रहे इसलिए कैद है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव संसार में भी रहता है तो वो यही सोचता है कि
घर को छोड़ी बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। और क्या कहते हैं आजकल का आदमी कहता है, मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। ऐसी हालत हो गई। आज हम जीवन में याद करें कि कुंद कुंद स्वामी ने जो बात कही है कि आज हमारे परिचय में कितनी कितनी परिचय, कौन चीज़ कहाँ मिलती है, कैसे भोगी जाती है। अब आप बताओ अपनी चमड़ी धड़वाने में लगे हो, सुअर आदि की मजबूरी है कि उनकी बाल नोचे जाते हैं और उनको जो भी मारा जाता है पीटा जाता है, तुम लोग खाम खाम फेसियल करा रही हो और क्या पता 3D क्या क्या कराते, भगवान जाने। सोच कर देखो, तुम सुअरों को तो मजबूरी है, तुम्हें बाल ही निकालना है तो केस लॉन्च करो, रत्नत्रधारी हो जाओगे, रत्नत्र का आभूषण पहन लोगे, दूसरों को दिखाने के लिए इस चमड़ी के लिए इतनी मेहनत इतना पैसा बर्बाद करते हो। आज आदमी का 90% पैसा सिर्फ तन पर जाता है, मन पर भी नहीं जाता है, क्योंकि मन कहाँ शुद्ध होता है। जब आपको दूसरों को देखने और दिखाने की इच्छा होगी तो आपके पास प्रमाण पत्र है कि आप मिथ्या दृष्टि हो, परिचय में आई है। छोटे से बच्चे को आप आँख निकालो रोने लगता है, उसे चुटकियाँ बजाकर खिलाओ तो हंसने लगता है, क्योंकि इस पर राग और द्वेष के संस्कार इसी जन्म के नहीं अनेक जन्मों के हैं और अनुभव में आई हैं। आप देखो आनंद कब आता है, पूजन पाठ हो रहा हो तो तुम्हें आनंद नहीं आता है, बल्कि लोग हमसे कहते हैं माता जी हमें तो नींद आ जाती है। हमने कही तुम मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। आज हमने पांचों इंद्रियों का संयम पाल रखा है, क्योंकि तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी कही है, अली मृग मीन पतंग गजी इनके कही आँच, तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पांच। वो तो चिंता करते हैं, हमारे आचार्यों ने तो कहा है विषय कसायन के बस हो के, क्या पर द्रव्य को अपना माना, लेकिन हम तो इसी बात को रोज गाते भी रहते हैं, तोते की तरह गाते रहते हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाने डालेगा, जो जाएगा फंस जाएगा मर जाएगा, जाना मत खाना मत। और हमारी हालत भी ऐसी हो गई, रोज बोलते हैं तन धनी को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते, रोज पढ़ते हैं जिनके जिसके सिंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जात, अत्यंत सुच जड़ काया शीश चेतन का कैसा नाता। कितनी अच्छी बात पढ़ते हैं कि इस चेतन का कैसा नाता, रोज पढ़ लेते हैं सोचा करता था भोगों से जावेगी इच्छा ज्वाला, पर नाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अरे तुम जानते हो कि भोग दुख के कारण है तो क्यों भोगते हो। आचार्य ने कहा यदि तुम नहीं बन पाओ दिगंबर मुद्रा नहीं धारण कर पाओ तो ध्यान रखना अपने अंदर पश्चाताप लाना, शादी विवाह में इन सब में आनंद मत मंगाना, अपनी जिम्मेदारियां उत्तरदायित्व मजबूरी समझना। जैसे कि रोगी हॉस्पिटल में रहता है लेकिन भावना क्या बताता है कब घर चला जाऊं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्राइवर कितनी बड़ी महंगी गाड़ी में बैठा हो यही सोचता है कब ड्यूटी पूरी हो कब घर चला जाऊं। लेकिन तुम क्यों नहीं सोचते हो कि ये दुनिया की दुनियादारी है, कब छोड़ूं और कब अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाऊं। गरी माई तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार सो, कहते घर माई तृष्णा जो घटावे। और तो आचार्यों ने कह दिया सुरग गति में नरक गति में पशु गति में पूर्ण संयम नहीं है, मात्र एक मनुष्य ऐसा है कि घर भी बना सकता है तो मंदिर भी बना सकता है, अपने आप को परमात्मा तक बना सकता है और करना कुछ नहीं है। आचार्य कहते हैं शुद्ध भोजन करो, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और संयम भी पल जाएगा। आजकल किसी से कहो कि रात में मत खाना, बोले हमारा तो सब चलता। हमने कहा अजीब प्रकार का जानवर है, अरे कुछ जानवर हैं जो दिन में खाते हैं कुछ जानवर हैं जो रात में खाते हैं, तू अजीब है, रात में भी खाता है दिन में भी खाता है, शाकाहार भी करता है मांसाहार भी करता है। तुम विचार करके देखो कि जो मांसाहारी जीव है उनकी अलग प्रकार की प्रवृत्ति होती है,
लेकिन हमारे जीवन से संयम बिल्कुल जा चुका। संयमी का हम उपहास और उठाते हैं। आपने देखा हो संयमी मिल जाए, बोले क्या पंडित बना हुआ है, क्या बाबा जी बन गया, और कोई टाई माई लगा के बेवकूफ़ बन के निकले। बेवकूफ़ी है यार, जिन देशों में टाई लगती थी वहाँ बहुत सर्दी पड़ती थी तो नाक माक आती थी, तो इसलिए था कि गला बांध बंद कर लो तो हवा नहीं आएगी, और नाक माक निकले तो उससे ही पहुँच लो। अब तुम्हारे भारत में क्या ज़रूरत है इतनी गर्मी पड़ती है टाई लगाने की। अरे जहाँ पे बहुत ठंडी थी तो मोजा पहनने की ज़रूरत थी, जूता पहनने की ज़रूरत। हमारे यहाँ बढ़िया खुश्क मौसम में क्या ज़रूरत है जूता पहनने की, बदबू और मारने लगते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती किरण देवी जैन परिवार डीमापुर असम, श्रीमती मनोरमा जी जैन ज्योति नगर जयपुर राजस्थान, श्री विमल कुमार जी जैन, श्री महेंद्र जी गुन पाटनी किशनगढ़, श्री विकास जैन, श्रीमती वर्षा जैन सब परिवार गुड़गांव, श्री बीरबल दास जी जैन, सुधीर पूजा संभव जैन कानपुर, श्री संजय जी जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन गोहाना हरियाणा, श्री सतीश जी जैन सपरिवार गोहाना, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता जैन, श्री राहुल, श्रीमती नीलू, रुशील, निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधु श्री विवेक जैन, श्रीमती पालजी जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रियान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 211,000, संरक्षक 111,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं: बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010002737378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।